गाइस वेलकम बैक। फाइनली शॉपिंग करके मैं आ गई हूँ घर वापस और बहुत थकान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बुरे हाल हो चुके हैं। बट एनी हाउ मैंने सोचा कि ना आपको मैं अपना सारा सामान दिखाऊँ जो मैं लेकर के आई हूँ। गाइस मैं पहली बार ही बंजारा मार्केट गई थी तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था चीज़ों का। इससे पहले मैं गई थी ओल्ड बंजारा मार्केट गई थी, लेकिन वो ऐसे ही जैसे सरसरी तौर पे जाते हैं ना, तो हम कुछ लेकर के नहीं आए थे वहाँ से, ज़्यादा कुछ हमें दिखा नहीं था। बट आज मैं गई थी न्यू बंजारा मार्केट जो है सेक्टर 62 में, और गई बहुत सुपर मार्केट है। हम गाड़ी में लिटरली ठूस ठूस के आए हैं, हमें नहीं पता हम कैसे इतना सारा सामान लेकर के आए हैं, बस जैसे तैसे आ गए हैं। तो चलिए सामान देखते हैं। देखो कुछ ऐसी है दोस्तों, पूरी लिफ्ट भर चुकी है, पूरा लिफ्ट भर के यहाँ सामान लेकर के आए हैं। और अभी घर जाते ही पापा से पढ़ने वाली है बहुत ज्यादा गालियाँ, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। फटाफट से घर पहुँचते हैं, फिर सबको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेकर के आए हैं, है ना मम्मा। तो गाइस ये रहा सारा सामान। गाइज ये रहा सारा सामान, हम लाए एक ये वाली टेबल, हम लाए ये वाला स्टैंड। गाइज ये वाला स्टैंड बहुत प्रिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये जो इसके ऊपर ये वाला प्लांटर रखा है, ये हमारे पास ऑलरेडी था, हम लेकर के आए हैं वहाँ से एक कैक्टस फैमिली। लिटरली दोस्तों मुझे ये कैक्टस जस्ट 400 रुपीज़, लाइक दिस वन इज जस्ट 400 रुपीज़। इट्स टोटली अप टू यू आप कैसे बार्गेन करते हैं। मैंने जितने भी लोगों के पास में देखा था 200, 250, 150 से कम कोई नहीं बता रहा था, बट बार्गेन करके आपको सब मिलेगा। एंड दीज लिटल वंस आर फॉर 20 रुपीज़ ईच, एंड ये बहुत क्यूट लग रहे हैं, मतलब एकदम फैमिली बन गई है इनकी। एंड दिस बॉट गाइज, मतलब कितना बड़ा है ये साइज में, वी बॉट दिस जस्ट फॉर 100 रुपीज़। एंड अगेन देयर इज दिस लिटल कढ़ाई, छोटू सी है दोस्तों, इतनी प्यारी लग रही है। दिस वन वॉज ऑल्सो फॉर 100 रुपीज़। देन अगेन दिस पॉट, ये मैं अपने स्नेक प्लांटर के लिए लेकर के आई हूँ, प्लांटर, स्नेक प्लांट के लिए प्लांटर लाई हूँ, तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं हमारी इस टेबल की। गाइस ये टेबल थोड़ी महंगी थी, ये मेटल प्लस मार्बल में है, तो वी पॉट दिस वन फॉर 1000। गाइज ये स्टैंड मिला हमें 1000 रुपये का, और ये कम्प्लीटली वर्थ इट लग रहा है। और मुझे इस एंजल की इतनी टेंशन हो रही है, ये पता नहीं क्यों सारे क्रॉकरी वाले सामान के पास ही मंडरा रही है। एंजल मत कर, वापस आ जा बेटा। गाइज ये बहुत परेशान करती है मुझे व्लॉग करते हुए, और इसको मम्मा कुछ नहीं कहती है, मम्मा ने इसे बिगाड़ रखा है। तो गाइज ये है हमारा काउच नंबर 1, ये बहुत मिनी काउच है, ये है बेसिकली हमारे ड्रेसर के लिए, ड्रेसिंग टेबल के आगे रखने के लिए। और गाइस जो सबसे पहली चीज़ हम लेकर के आए हैं वो है ये लंबा काउच। अगर आप देखें ध्यान से तो ये हमारे सोफे से बिल्कुल मैच कर रहा है, जैसा हमारा सोफ़ा है ऑलमोस्ट वैसा ही ये है, तो हमें बहुत मैचिंग मिल गया है। और हमारी एंजल बहुत शैतानी कर रही है दोस्तों, दोनों मिला करके हमें पड़े फॉर 2200। ये वो बोल रहे थे इनिशियली 3500 का, वो वाला बोल रहे थे लंबा वाला, और ये वाला शायद 2000 का बोल रहे थे। बट बहुत बार्गेन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करो और आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। मतलब कहाँ 3500, 2000, 5,500 पहुँच गया, और यहाँ पे हम 2200 रुपये में ये दोनों चीज़ें लेकर के आए हैं।
सबसे प्यारी चीज दिखाती हूँ दोस्तों मैं अब आपको, वो है ये गार्डन, ये हमारे बालकनी गार्डन के लिए है दोस्तों। जब मैं बालकनी में लगाऊंगी तब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, बट ये इतने क्यूट है और इस पे आप आराम से 100, 200, 250 किलो के भी हो तब भी बैठ सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। ये हमें पड़ा 2000 का, मतलब इसके लिए मैं पूरी बंजारा मार्केट घूमी हूँ एंड लिटरली 3500 से कम का कोई नहीं दे रहा था। एक शॉप पे सिर्फ ये एक पीस बचा था इसलिए उन्होंने मुझे 2000 का दे दिया, लेकिन इनिशियली जो इसका सब डिमांड कर रहे थे दैट वॉज 6000 रुपीज। तो गाइज थोड़ा स्मार्टली जाओ, सब कैलकुलेट करके जाओ कि आपको क्या लेना है, और बहुत दिमाग से चीजें खरीदो और बार्गेन तो जितनी कर सकते हो उतनी करो, अपनी सारी बार्गेनिंग स्किल्स दिखा दो। तो गाइज ये था हमारे ब्लॉग में जितना सामान हमने आज लिया, और सारा सामान जब हम यूज करेंगे इंस्टॉल करेंगे तो आपको आने वाले ब्लॉग्स में मैं जरूर दिखाने वाली हूँ। स्पेशली मैं आपको ये वाला दिखाने वाली हूँ क्योंकि मैं अपनी बालकनी गार्डन को कंप्लीट कर रही हूँ, तो वहाँ के लिए मुझे ये लाना था और मेन रीज़न मेरा मार्केट जाने का ये था। बट हम इतनी सारी चीज़ें ले आए और सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छे प्राइस पे मिली, तो इट वॉज वर्थ इट। क्यों मम्मा, माँ कैसा लगा आपको इतनी सारी शॉपिंग करके? बहुत अच्छा, मज़े आए, पूरा दिन लग गया दोस्तों लेकिन कम्प्लीटली हुए थे इतना, मतलब सामान आया है ना तो सामान देख करके ऐसा लग रहा है कि वाओ यार कितना अच्छा अच्छा सामान लेकर के आया है। और दोस्तों इतनी चीज़ें थी ना, मतलब इतनी चीज़ें, मेरे को तो लगता है कि आपको हर 2 महीने में एक बार चक्कर लगाना चाहिए और छोटा छोटा सामान इकट्ठा करते रहना चाहिए। कभी क्रॉकरी का ले आए, कभी डिज़ाइनिंग मतलब ये शो पीसेस ले आए, कभी स्टैंड ले आए, कभी कुछ ले आए, धीरे धीरे करके सामान लोगे तो आपको भी बर्डन नहीं लगेगा कि कितना खर्चा हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी गाड़ी में सामान आ पाएगा वरना हमारी तरह ठुस ठुस के आओगे। तो आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट रह सके, और मेरे लिए नहीं तो इस प्यारी सी एंजू के लिए ही कर दीजिए दोस्तों। प्लीज गाइज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।